जियो सु शरण ब्रजेश कुमार। राखो सभा में मेरो मान यशुदा को छैया, राखो सभा में सुदा को छैया, बलदाऊ जी को भैया सुदा को छैया। पति को तरैया यशोदा को छैया, सबकी विपत्ति तरैया। लाज रखो रुक्मिणी के सैया, लाज रखो रुक्मिणी के सैया, तुम्हें तेरे ब्रजेश गवैया यशोदा को छैया। पड़ी है भवर बीच नैया यशोदा को छैया। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के माध्यम से है भगवान कृष्ण के अवतार की कहानी लेके चल रहे हैं। मथुरा नगरिया के बीच में उग्रसेन जो अपने छोटे भाई देवक के साथ में रहते थे, वो नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल सुनो सरदारी, पति वीरतास भैया
महाराज उग्रसेन के घर में जो पवन रेखा नाम की पतिव्रता स्त्री थी, दुख था इस बात का कि पवन रेखा के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। पवन रेखा इतनी पतिव्रता स्त्री थी, जो नियम उनका ये था कि पति की सेवा में आठ पहर, पति की सेवा में आठ पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। पति की सेवा में 24 घंटे लगी रहा करती थी। दिनचर्या से पहले जाग करके, सुबह ही सुबह जाग करके वो अपने पति के दर्शन किया करती थी, पति के चेहरा को देखा करती थी। दोस्तों, पति की सेवा में आठ पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ गया, दिनचर्या से पहले शुभ दर्शन करती थी। पवन रेखा दिनचर्या से पहले जाग करके अपने पति के दर्शन किया करती थी, मगर दोस्तों दुख था इस बात का कि उनके गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। एक दिन अपनी सखियों को साथ लेकर के उग्रसेन से आज्ञा मांग करके बाग में घूमने के लिए चली है। रथ को लो सजवाई रे जवानी बड़ी अगाली, रथ को लो सजवाई रे जवानी बड़ी अगाली, ले सखी संगरे बगिया में गई है नारी। सहेलियों को साथ लेकर के जिस समय बाग में पहुंची, लेकिन उस बगीचा का सौंदर्य निहार करके अपने आप को भूल गई। जिस समय सहेलियों के साथ बाग में घूमने के लिए जाती है, बाग में पहुंचने के बाद में पवन रेखा उस बगीचा की सुंदरता को निहार करके, जहां बसंत ऋतु सी छाई हुई थी, हरे भरे वृक्ष झूम रहे थे, बाग में जब घूमने लगी है, तब तक एक बात दूसरी बन गई। अरे बन गई विधि गति की वो कहानी, और सखियन ते छूट गई रानी। We'll be right back.
सहेलियों से जब छूट जाती है, दुर्भाग्य ये हुआ कि उस बाग में जब आंधी और तूफान बुरी तरह से आ गया, में जिस समय वो पवन रेखा घूमने लगी हैं, लेकिन वहां पर जब आंधी आ जाती है, उस आंधी में तूफान में पवन रेखा की सहेलियां सब छूट जाती हैं, पवन रेखा अकेली जब रह गई, तो बाग के बंदर भालुओं को निहार करके रानी जो थी वहां खड़ी होकर के सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। हुआ ये, दोनों हाथों से आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठ गई, रोने लगी। तब तक उस बाग में जो दुर्मिलिक नाम और सोची मन में बात नारी के साथ के कुमति कमाई रे कुमति कमाई, इतनी सोची के लीनो है रूप बनाई, रूप सेल को भजी की बनाई, जिस समय पवन रेखा की तंदुरुस्ती को निहारा है उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने, हृदय में ये बात गूंजने लगी है कि हम इसके पतिव्रत धर्म को नष्ट अवश्य करेंगे। मगर साथियों, तंदुरुस्ती निहार करके पवन रेखा की दूर ही दूर से उस राक्षस के हृदय में बड़े विचार गूंजने लगे। मगर की तंदुरुस्ती निहार करके दुर्मिलिक नाम का राक्षस जब चला है, लेकिन हृदय में यह बात गूंजने लगी है कि यह पतिव्रता स्त्री है, और पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का काम कोई साधारण काम नहीं है, अगर मैं अपने रूप में गया तो यह मुझे श्राप दे देगी। उसी क्षण उस राक्षस ने हंसी के उग्र सेन को रूप बनाया, जहां नार पास में Thank you.
उग्रसेन का रूप बनाया है उस राक्षस ने, और उग्रसेन बनने के बाद में जिस समय पवन रेखा के सामने पहुंचा और कहने लगा, पवन रेखा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बोला, हे प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला, हे रानी रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे देखे अरे कौन भला है। रेखा ने यह समझ नहीं पाया कि यह हमारा पति नहीं है, राक्षस है। उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद में वो राक्षस समझा करके कहने लगा, घबराइए नहीं। इस बहार का सुख लूटे, पवन रेखा ने यह नहीं समझ पाया कि यह मेरा पति नहीं है। उस दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने धोखा में पानी चुने नारी संग कुमति कमाई। राक्षस जब अपने रूप में आया और जो पवन रेखा ने उस राक्षस की तरफ निहारा, पैरों के तले धरती खिसक गई और दांती को पीस करके कहने लगी, ओरे कमीन तू, अगर इस बात को मैं पहले जान जाती कि तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ती। लेकिन अब लाचार हूं और निस्तेज हूं मैं, पर नाचार दिखलाई देती अपनी शक्ति से जला करके मिट्टी। ओरे कमीना, अगर मैं इस बात को पहले जान जाती कि तू मेरा पति नहीं है, अरे तेरे हुयो सत्यानाश के तूने और धर्म बिगाड़ो तेरो तेरो। और लफंग
ठीक है, मैंने तुम्हारे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और तुमने कई एक अपशब्द कहे, लेकिन पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा लड़का पैदा होगा। पवन रेखा कहने लगी, कैसा? तेरे जैसा राक्षस होगा। जवाब दिया, खैर राक्षस तो होगा ही, मगर कि वो मेरे समान योद्धा होगा। ओ भाई जीतने कोई राक्षस कहने लगा, पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ से जो लड़का होगा वो इतना शक्तिशाली, इतना बलवान होगा जिससे देवताओं का राजा इंद्र भी भयभीत होगा। कमी ये होगी, बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतनो रानी, पर ध्यान रहे इतनो रानी भगवान के हाथ से जाएगा। बताया उस राक्षस ने, तुम्हारे गर्भ से जो लड़का पैदा होगा वो हमारे समान योद्धा, दुनिया में उसका कोई कभी बाल बांका नहीं कर सकता। बात ये है, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, गायों को बहुत दुख देगा, भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद में राक्षस बस है चल दौरे घर लौट चली महारानी। फिर से सखियां मिल गई रे, तब भी तब सखियां मिल गई रे, तब हंसी की बोली पानी। पवन रेखा जब लौट करके घर की तरफ चली है, दोबारा सखियां सब मिल गई तो एक लड़की कहने लगी, बहन कहने लगी, बहन तू कहां चली गई थी, तेरी ये दशा क्या है, आखिर क्या हुआ तुझे? पवन रेखा कहने लगी, सहेली वो आंधी ऐसी आई जिस आंधी में तुम तो बिछड़ गई, मगर तुम्हारे बिछड़ने के बाद रानी बोली तुम्हारे निकल गई, रानी बोली तुम्हारे निकल गई, एक बंदर ले Thank you.
गली 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 इस आंधी में एक पत्थर ने हमें पछाड़ दिया, सारा सिंघार बिगड़ गया, सारा सिंघार बिगड़ गया, मेरे साथियों बिगड़ गया, ने जब समझा करके ये कहा है बहन, जब तुम चली गई, एक बंदर ने आकर के हमारी ये दशा कर दी है। कहने का मतलब, जब पवन रेखा अपने घर चली आती हैं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। दोस्तों, जब प्रसव काल आया है, पवन रेखा के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ, तो ये ध्यान रखना कि जब कपूत पैदा होता है तब अशगुन नजर आते हैं। जब उस बालक ने जन्म लिया तो पैदा होते ही बालक के आधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी, आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। जब लड़का पैदा हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान बुरी तरह से आने लगा। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। आए गए वो उबाल तालाब में, हिल गई निपार जमुना जी की। जब लड़का पैदा हुआ, सामने अशगुन नजर आने लगे, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, आंधी तूफान, एक दुनिया में महाप्रलय सी नजर आने लगी। दोस्तों, जब वो बालक पैदा हुआ है पवन रेखा के गर्भ से, उसी बच्चे का नाम कंस रखा गया, और धीरे धीरे कंस जब कुछ बड़ा हुआ, खेलने के लायक हुआ, उपद्रव मचाने के अलावा इसका कोई धंधा नहीं रहा। गांव के बच्चों को खेलने के बहाने गांव से बाहर ले जाता है, किसी के सर को फोड़ देता है, किसी की भुजा को तोड़ देता है, किसी को जिंदा जमीन में दबा देता है। गांव में जब हाहाकार मच गई, बालापन में कंसराज की शिकायतें जब उग्रसेन के पास में गई हैं, उग्रसेन ने कंस को समझाते हुए जवाब दिया है कि कंस, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम राजा के लड़का हो। शायद तुम ये नहीं जानते, जो रिश्ता शेर और बन का होता है, भाई राजा और प्रजा का है। शेर अगर अपने तामस में आकर के बन को उजाड़े तो उसका शरीर कहां छुपेगा कंस। राजा प्रजा के ऊपर इस तरीका से दखल डाले तो वो शासन किसके ऊपर करेगा कंस। कंस कहने लगा, पिताजी, तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था होने के कारण बुद्धि तुम्हारी छीड़ हो चुकी है। आगे बढ़ करके कंस राज ने जब समझाने की बात समझी नहीं, अपने बाबुल उग्रसेन को वीरनाथ पकड़ के सही हथकड़ी डाल दे, सही हथकड़ी डाल दे, जब कंस ने बहाया करके राज ने समझाने की बात जब उग्रसेन के मुखारविंद से सुनी, हथकड़ी बेड़ियां पहना करके जेल में डाला,
फिर खुद ही कर बैठो अधिकार। कंस जब राजा हुआ वहां का, उग्रसेन को जेल में डालने के बाद में, लेकिन दोस्तों राजा बनो है कंस, राज कानून नए नए बनने लगे, लुच्चा और लभंगन के रबड़ी संग भोजन धनने लगे। ऐसा ही नहीं, गौशाला कहीं जल रही है, गौशाला कहीं जल रही है, देवालय कहीं टूटते हैं, पड़ती है मार ब्राह्मणों पे, ऋषियों के मात फूटते हैं। दोस्तों कंस जब मथुरा नगरिया का राजा हुआ है, आदेश दिया है उसने कि हमारे शासन में कोई मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकता। गाय कटवाई जाने लगी, पुजारियों की जगह पर मंदिर में बधिक दिखाई देने लगे, गौओं के सर मंदिरों में दिखाई देने लगे, गौशाला खड़ी खड़ी जलवाई गई। और भक्तों जब सर के ऊपर कोई नहीं रहा, और ये ध्यान रखना कि सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मन ही खराब मसोई। सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई, आवे मन ही खराब मसोई। जब सर के ऊपर कोई नहीं होता, वही दशा उस कंस राज की बनी। आदेश दिया है उसने कि हमारे शासन में जितने भी सन्यासी घूम रहे हैं सबको पकड़ करके मथुरा की जेल में भर दो। वही हुआ, जो वन में भ्रमण करने वाले सन्यासी काली कोठरी में बंद कर दिए गए, और उन संतों की दशा क्या कर दी कंस राज ने। भक्तों हाथन में कड़े पाई न में कड़े पगल न में रस्सी पड़ी भई, हथकड़ी बेड़ियां डाली, महात्माओं को हथकड़ी बेड़ियां पहनाने के बाद में दस दस दिन की पड़ी हुई रोटियां वो पानी में सड़ा सड़ा करके देने लगा। ऐसा ही नहीं दोस्तों, और दशा क्या कर दी उन महात्माओं की। कंसराज ने आधा जांगिया है फुकुड़ता, एक कम्बल फटी पुरानी थी, और नंबर वाली टोपी सिर पर साधन की यही निशानी थी। पुरानी थी नंबर वाली टोपी सिर पे साधुन की यही निशानी थी। ध्यान रखना साथियों, कंसराज ने जिस वक्त महात्माओं को दुख देना आरंभ कर दिया है, पृथ्वी पाप के भार के वजन से अब दुखी जब होने लगी तो सोचने लगी क्या करूं, कंसराज के बुरे अत्याचारों से मैं नीचे को दबी जा
पृथ्वी कपिला गाय का रूप धारण करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी के सामने रोने लगी है, महाराज मेरी रक्षा करो। समझा करके भगवान ब्रह्मा से गाय कहने लगी, प्रभु मैं कंसराज के अत्याचारों से दबी जा रही हूं, के सामने जब पृथ्वी गाय बनके रोने लगी, उसी क्षण भगवान ब्रह्मा ने समझा करके बताया है, पृथ्वी मेरे सामने रोने से कुछ नहीं होगा। सब देवताओं ने मिलकर के जब विष्णु भगवान की आराधना की, अपनी विनती जब कह सुनाई, भगवान विष्णु आवाज लगाते हुए कहने लगे हैं, सुर वृंदो इस तरीका से अब अपनी ज्यादा व्यथा मन सुनाओ कि हे देव गड़ो हे मुनि वृंदो, रोए रोए के हमें रुलाइयो ना, हे देव गड़ो हे मुनि वृंदो, रोए रोए की हमें रुलाइयो ना। ए वसुंधरे ये ध्यान रहे, ए वसुंधरे ये ध्यान रहे, अब ज्यादा व्यथा सुनियो ना। और भगवान ने आवाज लगाई, देवताओं अगर तुम हमें भूतल पर बुलाना चाहते हो तो तुम भी जाओ भूमि पे, सब धरो यादवी रूपा, लगाई है पृथ्वी रोना। और देवताओं अगर तुम हमें भूतल पर बुलाना चाहते हो, सबसे पहले तुम सब जाओ यादव बनो और मैं यादवों का राजा बन के आ रहा हूं। दोस्तों उसी क्षण पृथ्वी अपने रूप में आ जाती हैं, देवता लोग यदवंश में अवतरित होने लगे हैं। इधर कंस राज के जो चचेरी बहन थी देवकी, जो देवक की पुत्री थी, महाराज देवक ने अपनी बेटी देवकी का विवाह बटेश्वर के बसने वाले वसुदेव जी के साथ में किया। तो बड़े उत्साह के साथ में शादी की है, और शादी करने के बाद में हाथी घोड़ा दान में दिए हैं, रथ दान में दिए हैं, बहुत सारा धनमाल दान में दिया है। कंस अपनी बहन देवकी के पास में जाकर के पहुंचा है और कहने लगा, बहन मैं केवल तुम्हारे पास में इसलिए आया हूं और यह कहने के लिए आया हूं, उस घर में जाकर के तुम्हें दबके नहीं रहना है। पहली बात तो मैं ये जानता हूं कि वसुदेव अच्छे स्वभाव का है और वसुदेव तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे, फिर भी तुम्हें इस बात पर घमंड होना चाहिए कि तुम कंसराज की बहन हो। चलो मैं खुद ही तुम्हें छोड़ने के लिए जाऊंगा। और दोस्तों रथ सजवाया, रथ लेकर के जिस समय बहन को बैठाया, कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए जब गया है, मगर रथ में देवकी जाय रही है, पीछे से एक रसाला है, आज ताके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है।
बहन देवकी को बैठा ला। कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए चला। रथ में देवकी जाय लई है, पीछे से एक रसाला है। रथ को हाकत कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। छोड़ने के लिए जहां जा रहा था तब तक आकाशवाणी हुई है कंसराज। अब कंस ने जब ऊपर को देखा, देवता लोग कहने लगे, ओ कंसराज मत भूल जा, ये फूल धूल मिल जाएगा। देवकी के आठवां बेटा होगा, मार के कोई गिराएगा। दोस्तों, आकाशवाणी में जिस वक्त देवताओं ने यह कहा है, कंसराज जिस उत्साह से हंसी खुशी से तू अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है, इसी बहन देवकी के गर्भ से जो आठवां लड़का पैदा होगा, उसी के हाथ से तेरी मौत होगी। दुनिया की कोई शक्ति तुझे बचा नहीं सकती। दोस्तों, सब अरमान ही धूल में मिल गए। कंसराज ने हाथ में तलवार निकाली, सोचने लगा कि बहन देवकी का आठवां लड़का, तो हम बहन देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो आठवां लड़का आ ही कहां से जाएगा। तलवार निकाल करके कहने लगा, बहन देवकी मुझे माफ करना, इसको संसार जानता है कि बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। बहन, तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं कि तुम्हारे गर्भ से आठवां लड़का वो हमारा काल बनेगा। तो देवकी ने जवाब दिया, भैया मेरे मरने से अगर तू बच जाता है तो तू मुझे मार दे। उसी क्षण दानी पीस की ना जाने है तेरा लो उठाई। आगे पड़ी वसुदेव कुमार ने झपटी की कही कलाई। कंसराज, क्यों मार रहे हो अपनी बहन को? महाराज कहीं वसुदेव कुमार समझाए, कौन सी बात बनी है कंस देव हमें बताए। कंसराज, और ये कहा कि कंसराज इसे मत मारो, ये तुम्हारी बहन है। कंस कहने लगा, बहनों ऐसा बहन नहीं है, नागिन है। इसके गर्भ से जो आठवां लड़का होगा वो हमारा काल बनेगा, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, उसी क्षण वसुदेव ने जवाब दिया, कंसराज साथ ही साथ मुझे एक बात और बता दीजिए कि तुम्हें अपनी बहन से डर है या अपनी बहन की संतान से? कंस ने कहा, हमें बहन से तो कोई भय नहीं, संतान से डर है। समझा करके वसुदेव कहने लगे, कंसराज मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूं, तुम्हारी बहन के गर्भ से जो भी बालक पैदा होगा वो हम तुम्हें देके जाएंगे। मर्जी रही तुम्हारी, चाहे मार देना या छोड़ देना। दूसरी बात यह है कि जब तक आठ बालक जन्म नहीं ले लेंगे तब तक हम मथुरा को छोड़ करके अपने घर के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों, कंसराज ने यह सोचा कि चलो हम अपनी बहन को क्यों मारे, जन्म लेते ही लेते हम बच्चों का वध करते रहेंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अपने शिकंजे में कसने के बाद में, देवकी वसुदेव को जेल में डालने के बाद में, कंसराज खुद शासन करने लगा,
वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। भक्तो, अरे कछु और समय बापी को देवकी और बसदेव पड़े हैं। समय जब गुजरता चला गया जन्म लिया है उस जेल खाने में, तो बसदेव समझा करके कहने लगे, पागल मत बनो रानी, वो दिन याद करो जब हमने तुम्हारी जान बचाई थी। रे बसुदेव समझाई करो कर ले हुई अपनो ही ओ। देवकी की गोद से उस पहले बच्चे को लेकर के कंस के पास गए। कंस कहने लगा, बहनोई साहब, ये लड़का पहला है ना, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे ले जाओ, आठवां लड़का जब पैदा हो तब तुम हमें दे जाना। और ये वचन कहने के बाद में उस बच्चे को जब वापस कर दिया है, देवकी अपने भैया को दुआएं देती हुई कहने लगी, भैया तेरी उम्र हजारों साल की हो जो तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। दोस्तों, नारद जी जब इधर सोचने लगे कि कंस राक्षस होता हुआ और इतना बड़ा रहम उसे आ गया, कंस की सभा में गए हैं और कंस से समझा करके कहा है कि कंसराज आखिर बात क्या है जो तुम इतने सुस्त इतने उदास रहते हो। कंस ने सारी कहानी जब बताई है तो नारद जी कहने लगे, किसी लड़का ने जन्म लिया है, बताया उसने कि थोड़ी देर पहले आ जाते तो बालक देखने को मिल जाता, मैंने वापस कर दिया है, वो भी इसलिए कि पहला था, आठवां होगा तब मैं उसे जान से मार देंगे। नारद जी कहने लगे, कंसराज दोष तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने मोबाइल खड़ी है, तुमने ये कैसे समझ लिया कि ये पहला है और वो आठवां है, आठवां लड़का ही अगर पहला बन के आ गया हो तो। ये शब्द सुनने के बाद में भक्तों, कंस भागा और देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लिया। देवकी और बसदेव के सामने ही जेल की दीवार से उस बच्चे को पटक दिया है।
जान से मार दिया। एक ही नहीं, प्रमाण तो ये मिलता है, 6 बालक इसी तरीका से कंसराज ने देवकी के मार दिए। 7 में गर्भ में जब बलराम जी चले हैं, भगवान की योग माया के द्वारा सारा काम हुआ, जो वसुदेव की दूसरी स्त्री थी रोहिणी के गर्भ में उन्हें पहुंचाया गया, जो गोकुल में बलराम नाम का लड़का पैदा हुआ, और 8 में गर्भ में खुद भगवान चले। भक्तों, योग माया से ये कहा है कि तुम गोकुल में लड़की बनकर के जन्म ले लेना, यशोदा के आंगन में मैं जेल खाने में अवतार लूंगा। लेकिन 8वें गर्भ का जब नंबर आया, कंस ने 2-2 पहरेदारों की जगह पर 10-10 खड़े किए और ये कहा कोई सो मत जाना। 8वें गर्भ की बारी थी और कंस के यहां तैयारी थी, राजा था पहरेदारी में और जेल में बहन बिचारी थी। आदेश ये और दिया है कि हमारी बहन को भोजन अच्छा नहीं मिलना चाहिए, महीनों की पड़ी हुई रोटियां इसे दो, जो मेरा काल बलवान पैदा न हो। वक्त जब गुजरता चला गया, भादों का महीना जब आया, तो भादों के महीना में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो बुधवार का दिन था, उस दिन जो पानी की फुहार पड़ रही थी, पहरेदार जो खड़े थे, तो फाटक के पहले बालों पर बेहोशी आती जाती है। देखने लगे, थोड़े समय बाद उस दीवार में भगवान की तस्वीर नजर आने लगी। देवकी और वसुदेव विनती करते हुए ये कहने लगे, महाराज ये समझ में नहीं आता कि हम लोग जेल से स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग चल के जेल में आया, हम तुम्हारी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा कि मैं सेवा करवाना नहीं चाहता और न सेवा करवाने के लिए आया हूं, मैं केवल सेवा तुम्हारी करने आया हूं। इसलिए अब यदि बात का भक्त नहीं लीला करने का रात ही रात में कहने के बाद भगवान एक जरा से बालक बने और देवकी की गोद में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल भूल गए देवकी और वसुदेव के, किसी से हमारी कुछ बातचीत भी हुई थी, कंस की याद आते आते दोनों भौचक्के से रह गए। देवकी ने जवाब दिया है कि महाराज 6 बालक मर गए, मैंने कोई चिंता नहीं की, किसी तरीका से आप इस बच्चे को बचा लीजिए। कहने लगे कहां लेके जाऊं, रात आधी है, पहरेदार द्वार पर खड़े हैं, ताले पड़े हैं, हथकड़ी भेड़िया हैं, भला कहां जाऊं। जवाब दिया कि तुम गोकुल में चले जाओ। कहने लगे अगर हमारी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएं तो हम इस बच्चे की जान बचा लें।
भगवान की ऐसी दया हुई, जरा देर नहीं लगी, हथकड़ी बेड़ियां भी टूट करके जमीन पर गिर गईं। पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे और बस देव उस बच्चे को सूप में लेटा करके जिस वक्त जेल खाने से निकल करके चले हैं आगे के लिए। मगर दोस्तों, शेष नांग पीछे से छतरी का काम निकालते हुए जा रहे हैं। भगवान की योग माया ने लड़की बन करके यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था वहां उसी दिन। चले यमुना ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, उसी क्षण यमुना भर की उफान गई बनिया पाएगा। इधर दोस्तों, यशोदा ने श्याम को कलेजे से लगा लिया है। सारे गोकुल की गोपियां भाग भाग करके आई हैं, आंगन में बधाई बजाई गई है। द्वारे पे बधाई